नमस्कार, मैं हूँ सोनिया तोमर। हमारे शो में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दिल्ली के टैगोर गार्डन में शहीदी दिवस मनाया गया। मैं इंद्रजीत सिंह आष्टे, शहीद भगत सिंह सोशल वेलफेयर सोसाइटी द नेशनल प्रेसिडेंट। अज शहीद भगत सिंह सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफों महान देशभक्त आज़ादी के मतवाले शहीद आजम शहीद भगत सिंह जी, शहीद राजगुरु जी, शहीद सुखदेव जी का श्रद्धांजलि समारोह। जरा याद कुर्बानी दे, जरा याद करो कुर्बानी दे रूप च असी इत्थे मना रहे हैं। और साथ ही हम लोग यहाँ पर शहीद भगत सिंह सद्भावना करोना योद्धा अवार्ड जो है, हमने लोगों को यहाँ पर विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अपना काम करने वाले लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया है, जिसमें हमारे एमसीडी के और शिक्षक, डॉक्टर और कई प्रकार के पुलिस अफसर जो जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, सोशल वर्कर, तमाम जो हैं लोग यहाँ पर हमने जो है आज उनको यहाँ पर बुलाया है। और हम चाहते हैं कि जो शहीद भगत सिंह की याद में एक सिक्का जो है सरकार जारी करे और इनके तीनों के शहादत दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा करे हमारे प्रधानमंत्री जी। और ये जो रोड, चौराहे, चौक, जो सरकारी इमारतें हैं, इनका नाम से जो है शहीद भगत सिंह जी का जो है नाम, रोडों के नाम से, शहीदों के नाम से इन रोडों के नाम हों। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये ऐसा काम हो जाए तो शहीद भगत सिंह जी को सभी नेताओं की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी। सत श्री अकाल जी, मैं गुरु गोबिंद सिंह सेवा सोसाइटी प्रेजिडेंट निहाल विहार, त्रिलोचन सिंह मेरा नाम है। तो अज वीर जी ने प्रोग्राम किया शहीद भगत सिंह सोशल वेलफेयर एसोसीएशन ने, तो उन्होंने बहुत अच्छा लग्या। असी इन्हां प्रोग्राम देखते दे हुए असी 4 अप्रैल को निहाल विहार के ब्लड कैंप के नाले होर भी शहीदी श्रद्धांजलि सभा भी आयोजन करांगे। जिस तरह इदा हुई है वही एन जी उत्थे भी होएगी। असी यह कहने वध चढ़ के प्रोग्राम होवे, जिन्हें भी एन जी ओ हन सारे नू महीने विच एक प्रोग्राम किया जाए। जे पूरा साल चले फिर असी 15 दिन का असी टीचा लैके चलीए कि हर 15 दिन बाद एक प्रोग्राम एन जी ओ करे, फिर आ जिहड़ा सही प्रोग्राम भगत सिंह जी सच्ची श्रद्धांजलि होएगी। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतह। मैं जली हुई राख नहीं अमर दीप हूँ, मैं जली हुई राख नहीं अमर दीप हूँ, जो मिट गया वतन पर मैं वो शहीद हूँ। शहीद दिवस पे कोटि कोटि नमन। यहाँ आज हम सभी शहीद भगत सिंह वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा इकट्ठे हुए, मैं सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ कि सबने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। यहाँ सभी सोशल वर्कर्स को और जो भी जिन्होंने भी अच्छे अच्छे काम किए उनको रिस्पेक्ट दी गई, उनको मोमेंटो से नवाजा गया। और आज हम यहाँ सभी भारत माँ के उस बेटे, उस सपूत को याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिनका नाम है शहीद आज़म भगत सिंह, जिनके आखिरी अल्फाज थे कि तू ना रोना, तू है भगत सिंह की माँ, के तू ना रोना, तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी तेरा बेटा मरेगा नहीं। कि तू ना रोना, तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी तेरा बेटा मरेगा नहीं। घोड़ी चढ़कर तो लाते हैं दुल्हन सभी, कोई हंस कर यूं फांसी चढ़ेगा नहीं। तो हमारी प्रेरणा यह है कि आज जो प्रोग्राम यहाँ हुआ है और शहीदी दिवस पूरा देश तो मनाता है, लेकिन उस पर अमल भी करना चाहिए। मनाने के लिए तो हम सब मना लेते हैं, रंगारंग प्रोग्राम भी कर लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इंकलाबी नारा लगा करके अपने जान को इसलिए निछावर किया कि हमारे बाद जो आने वाली नस्लें हैं वो भी इसमें जागरूक होंगी और उनके अंदर एक ऊर्जा पैदा होगी। तो मैं आज के भी युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ, सबको ये देना चाहता हूँ कि सबने मिल करके इस देश को जिस तरीके से आज़ादी में लड़ाई लड़े थे, सबको मिल के ये प्रोग्राम भी करना चाहिए और लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। हाँ जी, आपके हमने विचार सुने, अभी जब आप स्टेज पे बोल रहे थे जी, तो आप जो युवा पीढ़ी है उसको क्या संदेश देना चाहते हैं आज भगत सिंह के प्रोग्राम में? देखिए, मैं सारे युवाओं को बोलना चाहता हूँ कि हमारे लिए युवा स्रोत जो है वो शहीद भगत सिंह है।
और शहीद भगत सिंह के अगर मूल्यों पे अगर आज का देश का युवा चल ले तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को दिन दुगनी रात चौगनी उन्नतरी करने में कोई नहीं रोक सकता। अगर आप देखिए कि 23 वर्ष की उम्र में एक नौजवान इस देश के लिए अपनी जान दे सकता है, और जान क्यों दे रहा है, ताकि हम स्वतंत्रता पा सके, इंडिपेंडेंस पा सके। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज जितने भी युवा अपना स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं वो शहीद भगत सिंह जी की देन है। तो इसलिए सारे युवाओं को कहना चाहूँगा कि शहीद भगत सिंह के मूल्यों पर चलें, कोशिश करें कि ज़िंदगी में उनके छोटे 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 मूल्यों को अपनी ज़िंदगी में अमल करने की कोशिश करें, हमारी ज़िंदगी भी पार हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ज्ञान त्यान किस कर्म न जाना, ते सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक, ते जिन कल राखी मेरी, जिन कुल राखी मेरी। वै प्रगट्यो मर्द अगंबड़ा, वरियाम अकेला, वाहो वाहो गोबिंद सिंह अपे गुरु चेला, अपे गुरु चेला। दो चार लाइनें शहीद भगत सिंह बारे भी कह रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद, बंदे मातरम, ए मेरे वतन के लोगो, ए मेरे वतन के लोगो, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी, ए मेरे वतन के लोगो, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी, जय हिंद। मैं तो यही चाहती हूँ कि अगर जैसे जैसे हर इंसान शहीद भगत सिंह जैसा बने, मेरी बचपन से इच्छा थी कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूँ, तो मुझे एक ट्रैक मिला, हम पार्टी की तरफ से आए, लेकिन अब मेरे अपने अंदर से हमेशा से ये इच्छा रही है कि मैं कोई ना कोई ऐसा काम करूँ जिससे मेरे पेरेंट्स को या मेरे देश को, मेरे पर गर्व हो। मैं चाहती हूँ कि हर इंसान भगत सिंह बने। धन्यवाद। जो शहीद भगत सिंह सोशल वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह, आज कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम का कार्यक्रम आज यहाँ किया है 23 मार्च 2021 शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में, और उसके पहले मैं भाव श्रद्धांजलि देना चाहूँगा उन शहीदों को, जो शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन आज वो देश जो खुशी से अच्छे से अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, उन्हें ये भी पता कि देश में कैसे हमें आज़ादी मिली है, कि लोग कैसे कैसे अपनी कुर्बानी दे गए, इस चीज़ को हम आज के दौर में भूल गए हैं, और हम इस दिन को आज एक तरह से एंटरटेनमेंट के रूप में मना रहे हैं, जो बहुत ही शर्मनाक बात है। तो इस दिन के लिए हमें बहुत ही भावपूर्ण तरीके से कुर्बानी को याद करना चाहिए, देखना चाहिए कि उन लोगों ने इस देश के लिए, हमारे लिए, जो हम सही फिजा में हवा में सांस ले रहे हैं, उन लोगों की बदौलत, तो उसके लिए हमें याद करते रहना चाहिए, उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आज के समाज में लोग ऐसे हो गए हैं जो उन्हें याद करते ही नहीं, याद तो करते हैं लेकिन वो तरीका नहीं है, इंटरटेनमेंट वाला तरीका हो गया आज के दौर में, मैं भी देखता रहता हूँ, लेकिन हमें
100% ना सही, कम से कम उनके नक्शे कदम पर 1% भी हम चल ले तो हमारा देश बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हमारे अंदर से खुद की अपने आप खुद की बुराइयां खत्म हो जाएगी अगर हम उनके नक्शे कदम पर 1% भी चल ले। लेकिन मुझे नहीं नजर आ रहा कि आज के दौर में राजनीतिक दल इतने बढ़ गए हैं कि देश की भावनाओं से प्रेरित लोग बहुत परेशान हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल पाता, पीड़ित लोग हैं। आज समाज में हर जगह हर कोने में बहुत सी कंप्लेंट आती रहती है, हमारे पास भी आती रहती है, लेकिन उनका कोई निदान नहीं होता क्योंकि वो देश की प्रेम की भावना रही नहीं, मतलब वाली भावना हो गई है। हम एक दूसरे से मिलते हैं जाते हैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ, अब मुझे ये अच्छा नहीं लगता। जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ तो जमीन से जुड़ी हुई बात करूंगा, उन पर चलूंगा और चलने की कोशिश करूंगा। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। बहुत अच्छे विचार उन्होंने अभी रखे हैं। माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे।